वेलकम बैक टू दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं हूं इस समय लोहता में, और ये लोहता रेलवे स्टेशन के पास में ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, यहां पे अंडर आर्मर क्रिकेट इवेंट हो रहा है। तो जो प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, और जो देखने वाले हैं आप समझ ही सकते हैं क्रिकेट का क्या क्रेज़ है बनारस में और ख़ासतौर से अपने भारत में। तो क्रिकेट की वजह से चाहे अंडर आर्मर हो, चाहे ओपन आर्मर हो, चाहे रिस्ट्रिक्शन वाला हो, तो भीड़ रहती है। तो ये पूरी भीड़ है यहाँ पे, लोग खेलने वाले और देखने वाले सारे हैं। तो हम चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं लोहता। ये लोहता का रेलवे स्टेशन है, ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा अब तक, शिवपुर से लोहता वाला। और ये मंदिर है स्टेशन के बगल में ही, और ये रास्ता चला जाएगा अंदर ही अंदर लोहता बाजार में, और जगन्नाथपुरी कॉलोनी बोलते हैं स्टेशन रोड है ये रेलवे का, सॉरी लोहता का। लोहता वैसे तो पॉपुलर है साड़ी उड़ी की बुनाई के लिए, और किसी ज़माने में ये गांव हुआ करता था, अब धीरे धीरे एक नगर निगम के दायरे में भी आने वाला है। और यहाँ पे आबादी भी बहुत अच्छी है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिलाई मतलब बुनकर का ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ बुनकर वाले ही मिल जाएंगे, बनारसी साड़ी का काम करने वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये जगन्नाथपुरी तिराहा, और ये सामने हम पहुँच गए मेन रोड पर, जो कि जो मेन रोड है ये चला जाता है, ये वाला रास्ता चला जाएगा आपका भदोही की तरफ, और ये रास्ता चला जाएगा बनारस की तरफ। तो आइए आपको लोहता दिखा देते हैं, ये यहाँ की चूड़ा उड़ा, और यहाँ पे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अभी यहाँ पे क्या खिचड़ी का त्यौहार है, तो उसके लिए मार्केट वर्केट लग गई है। और ये यहाँ पे इसकी सब्ज़ी मंडी है छोटी सी, और ये अंदर चला जाएगा पूरे मार्केट में। ये सब्ज़ी मंडी आप देख रहे हैं लोहता की, और ये वाला जो रास्ता है ये चला जाएगा बनारस की तरफ। लोहता भी बनारस जनपद में ही आता है, और यहाँ पे जो बनारस में कमिश्नरेट सुविधा स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके तहत अभी लोहता जो है वाराणसी ग्रामीण में आता है। कमिश्नरेट और ग्रामीण की जो बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो पता चल जाएगा, जो नगरीय एरिया होता है वो कमिश्नर हैंडल करते हैं, और जो ग्रामीण एरिया होता है वो SP के पास होता है। SP वैसे रिपोर्ट तो कमिश्नर को ही करते हैं, लेकिन ये चीज़ बनी हुई है। और इतनी ठंड है कि लोग देखिए आग जला के बैठे हुए हैं, संडे का दिन है, मार्केट थोड़ा सा बंद है, और शाम भी हो रही है, 3:30 बज चुके हैं इस समय। तो आप देख ही रहे हैं पूरा खाली खाली सा दिखेगा आपको। मेजोरिटी में यहाँ मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं लोगों की मार्केट की वजह से पॉपुलर है। ये छोटा ट्रैक्टर युवराज, अभी हम जिस जगह पे हैं ये लोहता की नई बाज़ार, मेन रोड पे ही है सारा कुछ, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मेन रोड पे ही आपको दिखा रहा हूँ। जो देख रहे हैं वो कोरत जाने के लिए, चाहे आपको कलेक्टिव फॉर्म जाने के लिए यहाँ से मिल जाएंगे, और कैंट जाने के लिए भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ से कैंट वगैरह जाने के लिए ही ऑटो का यूज़ करते हैं, बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता है उनके लिए तो भाई बस वगैरह है ही। ये यार मुझे जाने नहीं दे रहा, थोड़ा सा मेरी भी गलती है, मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ, पहले आप इससे आगे हो जाता हूँ फिर बात करता हूँ। क्योंकि ये युवराज साहब अपने आप को लेके चल रहे हैं, ये गीतांजलि स्वीट्स लोहता का काफ़ी फेमस है, नाम अच्छा है इसका, स्वीट्स कैसा है मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन नाम सुना था इसलिए सामने दिख गया तो बता दिया आपको। SBI बैंक ऑफ इंडिया लोहता ब्रांच, बंधन बैंक का ही ब्रांच है। अब गर्मी उर्मी के दिनों में इस रास्ते को पार करने में आपको बड़ी मेहनत हो जाएगी, पूरा मार्केट खुला रहता है और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ठंडी है और संडे का दिन है, ठंडी है तो लोग वैसे भी नहीं है, और संडे का दिन है तो मार्केट बंद है। लोहता का ये भी एक रास्ता है जो चला जाएगा हरपालपुर की तरफ, ये रास्ता हरपालपुर की तरफ चला जाएगा। और इस रास्ते पे जिसमें मैं जा रहा हूँ ये कलेक्टिव फॉर्म तक चला जाएगा, तो मैं कलेक्टिव फॉर्म तक नहीं जाऊँगा, लोहता इंडिया मार्केट तक आपको दिखाता हूँ, फिर वापस चलना है मुझे। ये दरगाह है लोहता में, तो लोहता से हम बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर का एक मार्केट है, हाईवे पे ही मार्केट है,
मेरा मेन सब कुछ अंदर की तरफ है। आपने मेन आपको रोड से ही दिखाने की कोशिश की, अंदर में नहीं गया। और ये वाला रास्ता चला जाएगा सीधे आप कलेक्ट्री फॉर्म की तरफ, ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास कल्याण मिशन लोहता के सामने, वहाँ पे भी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लोहता बाज़ार का ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन एंजॉय करिए, मस्त रहिए। सलाम कुम खुदा, सत श्री अकाल, नमस्कार।